अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद। और आज के इस प्रोग्राम में, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड क्या है, डिजिटल बैंकिंग में लोग किस तरह फ्रॉड करते हैं और किस तरह आप इन फ्रॉडलेंट पीपल से बच सकते हैं, किस तरह अपने डिजिटल बैंकिंग के अकाउंट को आप ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं, और जो बैंकिंग आपकी सर्विसेज हैं जिसमें डिजिटल बैंकिंग का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, उसमें आप अपने आप को किस तरह सिक्योर रख सकते हैं। जैसा कि नाज़रीन हम सब जानते हैं कि लोग डिजिटल बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज को घर बैठे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है लोगों ने, अपने सेलफोन के ऊपर, स्मार्टफोन के ऊपर, अपने लैपटॉप के ऊपर। क्योंकि डेफिनेटली पहले जो बैंकिंग सिस्टम होता था उसमें फ़ंड ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट और डिफरेंट सर्विसेज के लिए आपको या तो ब्रांच जाना पड़ता था या एटीएम सर्विसेज जाना पड़ता था, तो जो डेफिनेटली एक हैसल था बहुत सारे लोगों के लिए। ये किसी वजह से लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज है, कोई आपसे जो ब्रांच है वो दूर है, एटीएम मशीन वर्क नहीं कर रही, या इस तरह के डिफरेंट जो सर्कमस्टेंसेस है वो आपको सफ़र करने पड़ते थे। बट अब जैसा कि डिजिटल बैंकिंग की तरह की वजह से जो बहुत सारे आपके काम हैं उसमें आपको ईज़ पैदा हो गया, तो इसके साथ साथ जो फ्रॉडलेंट पीपल्स है, जो फ्रॉड पीपल है, उन्होंने भी डिजिटल बैंकिंग को नेगेटिवली इस्तेमाल करते हुए आपके अकाउंट से पैसे निकालना शुरू कर दिए। बिकॉज़ मैं एक बैंकिंग प्रोफेशनल हूँ और बहुत सारी बैंक से डिफरेंट न्यूज़ मिलती रहती है कि किसी का बेचारे का अकाउंट खाली हो गया, किसी के अकाउंट में 10 लाख पड़ा था वो सब पैसे निकल गए, किसी के अकाउंट में 20 लाख पड़ा था वो निकल गया, और बहुत सारे लोग तो रो रहे होते हैं, दहाइयाँ दे रहे होते हैं कि हमारे इन पैसों को वापस दिला दिया जाए। तो डेफिनेटली बैंक पूरी कोशिश करती है कि जिस हद तक आपको फैसिलिटेट कर सके, लेकिन अगर आप ये प्रिकॉशंस, ये मेजर्स आप लेते हैं तो आप खुद अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। आपको बाद में बैंकों के जो पर्सन्स हैं या जो बैंक्स के स्पेशल यूनिट हैं उनसे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली जब आपके पैसे ट्रांसफ़र हो गए तो बाद में दिस इज़ अ वन ऑफ द लेंथी प्रोसेस, दिस इज़ अ वन ऑफ द हार्ड प्रोसेस के जिसके थ्रू आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे। बट अगर आप प्रिकॉशंस अडॉप्ट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका डिजिटल बैंकिंग का अकाउंट भी सिक्योर हो सकता है, और उसके साथ साथ आपका जो अकाउंट है वो महफूज भी हो सकता है और आप अपने पैसों को भी महफूज रख सकते हैं। बिकॉज डेफिनेटली आजकल के दौर में हर पर्सन चाह रहा है कि वो अपने अकाउंट सिक्योर करे और उसके साथ साथ अपने पैसों की सिक्योरिटी करे, तो बैंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर एलिमेंट या मीडियम जहाँ पे आप अपने पैसे को रखवा रहे होते हो। बिकॉज बैंक उसे डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स को लेते हुए रखता है ताकि उसको कोई कंसील ना कर सके, ताकि उनको कोई विड्रॉ ना कर सके, ताकि उनको कोई चुरा ना सके। तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपने पैसे जो है वो बैंक के अंदर रखे ताकि बैंक उसको सिक्योर कर सके, और जब उसे ज़रूरत हो उस अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वो ATM से उसको विड्रॉ कर ले या फ़ंड ट्रांसफ़र कर ले। तो हम अभी बात कर रहे हैं डिजिटल चैनल की, वो डिजिटल चैनल क्या है, इंटरनेट बैंकिंग। जबकि डिफरेंट हम बैंकिंग की बात करें तो उनकी इंटरनेट बैंकिंग है जो कि आप ब्राउज़र से यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़र मीन जो गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या उसके साथ साथ अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो हर बैंक ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के नाम से भी एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई है जिसके थ्रू आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, और अब तो QR कोड और बस टिकट, मूवी टिकट, डिफरेंट वेबसाइट की ई कॉमर्स, ये डिफरेंट फीचर आप इंटरनेट बैंकिंग से घर बैठे ही अवेल कर सकते हैं। तो जहाँ पे इतनी सारी सहूलियत है वहाँ पे इस तरह के फ्रॉड लोग जो हैं वो आपके अकाउंट के पीछे लग जाते हैं, आपके अकाउंट की मालूमात को चुरा लेते हैं और फिर उससे फ़ंड ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आपके अकाउंट को मिनटों में, सेकंड के अंदर खाली कर देते हैं। तो आपने इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करना है, कोशिश करें जितनी आप वीडियो दूसरों तक शेयर कर सकते हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर एक पर्सन तक पहुंचे, और हर एक पर्सन जिसका बैंक अकाउंट है और जिसने इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल कर रहा है या जो इस डर से इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं कर रहा कि उसका अकाउंट चोरी हो जाएगा, हैक हो जाएगा, वो सब इन प्रिकॉशंस पे अमल करें तो उनका अकाउंट चोरी नहीं होगा और उनको बाद में ये शर्मिंदगी नहीं होगी, ये परेशानी नहीं होगी कि उनके अकाउंट से पैसे निकल गए। सबसे पहला मरहला है इंटरनेट बैंकिंग की रजिस्ट्रेशन का। तो इंटरनेट बैंकिंग की जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपसे डिफरेंट पर्टिकुलर्स मांगे जाते हैं जिसमें आपके डेबिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड का पिन,
उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर और आपकी अदर फीचर। तो आपने बैंक के अंदर वो मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है जो मोबाइल नंबर आपके इस्तेमाल में रहे, और कोशिश करनी है कि उस मोबाइल नंबर को आप बंद ना होने दें। जैसा कि ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो बैंकों ने प्रिकॉशंस क्या लिए कि एक होता है OTP, वन टाइम पिन, वो 5 वर्ड का होता है, ये 6 वर्ड का होता है, 7 वर्ड का होता है, स्टैंडर्ड में वो 6 से 8 वर्ड का होता है। तो वन टाइम पिन आपकी सबसे सिक्योरिटी फीचर है, क्योंकि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको वन टाइम पिन भेजा जाता है, वो वन टाइम पिन आप दर्ज करते हैं तो फिर आपकी वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती है। अब होता किस तरह से है, सबसे पहले हम आपके अकाउंट की सिक्योरिटी के हवाले से बयान कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जो फ्रॉड लोग हैं वो आपसे किस तरह फ्रॉड खेलते हैं और आपने फ्रॉड से बचना किस तरह है। सो आपने जब रजिस्ट्रेशन कर ली, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वन टाइम पिन जो है उसके वो आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप उसे मोबाइल पे चाह रहे हैं या आप उसे ईमेल पे चाह रहे हैं। कुछ बैंकों ने तो उसको ईमेल पे रखा ही नहीं हुआ, उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही मोबाइल पे रखा हुआ है। बाद में अगर उसकी प्रेफरेंस आप चेंज करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो जो वन टाइम पिन की ऑप्शन है उसको हमेशा मोबाइल के ऊपर रखें, बिकॉज आपके मोबाइल को कोई हैक नहीं कर सकता। आपकी जो ईमेल एड्रेस है उसको कोई हैक कर सकता है और उसको मिसयूज़ कर सकता है, बट आपका जो मोबाइल है दिस इज़ वन ऑफ द सिक्योर मीडियम जिसमें कोई आपका वन टाइम पिन चुरा नहीं सकता। तो आपने प्रेफरेंस OTP वन टाइम पिन की प्रेफरेंस कहाँ पे रखनी है, अपने मोबाइल के ऊपर, और उसके साथ साथ आपने पासवर्ड जो रखना है वो पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना। और एक चीज़ और बताते चलूँ कि जो वन टाइम पिन होता है, जो पासवर्ड होता है, वो आपकी सबसे सिक्योर मालूमात है, वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। और कोशिश करें कि आपकी इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड और आपका जो वन टाइम पिन है, अगर कुछ इंटरनेट बैंकिंग के अंदर जो होता है वो वन टाइम पिन आपके मोबाइल पे नहीं आता बल्कि आप उसे अपने पास याद रखते हैं सेपरेटली, तो उसको वक्तन फवक्तन आपने चेंज करते रहना है। उसके अलावा जो QR कोड या बाकी फीचर है उसमें भी कोशिश करनी कि आप किसी भी मर्चेंट को अपना मोबाइल ना दें बल्कि खुद QR कोड स्कैन करें। QR कोड क्या होता है कि QR कोड के थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट को स्कैन करके पेमेंट आपकी चली जाती है और उसके बदले में आपको वो प्रोडक्ट मिल जाती है। तो QR कोड में भी आपने मोबाइल किसी को नहीं देना कि कोई उसको मिसयूज़ ना कर ले। तो अगर इस फ्यूचर को आप अडॉप्ट करते हैं तो आपकी जो इंटरनेट बैंकिंग है वो हैक नहीं हो सकती, कोई मिसयूज़ नहीं हो सकता। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रॉड पीपल्स क्या होते हैं। फ्रॉड पीपल्स इस तरह होते हैं कि वो उन लोगों को कॉल करते हैं जो बेचारे इनोसेंट लोग होते हैं, उनको वो क्या कहते हैं कि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है। अगर उनके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो वो किसी तरह से उनका पासवर्ड ले लेते हैं, और पासवर्ड लेने के बाद जब ट्रांजैक्शन करते हैं, वन टाइम पिन आपके पास आता है, तो वो कहते हैं कि ये बैंक की तरफ से आपको वन टाइम पिन भेजा गया, आप इस वन टाइम पिन को हमें बताएं ताकि हम अपने अकाउंट को सिक्योर कर लें। तो कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल अदारा कभी भी आपको कॉल करके ऐसा नहीं कहता कि ये वन टाइम पिन आपके पास आया है, ये OTP आया है, इसको हमारे साथ शेयर करें ताकि आपका अकाउंट सिक्योर हो जाए। अकाउंट बायोमेट्रिकली आपकी ब्रांच में सिक्योर होता है, और अगर आपको किसी ऐसे नंबर से भी कॉल आ ली है कि आपको लगता है कि ये हेल्पलाइन का नंबर है, तो ऐसा नहीं है। एक होता है UN नंबर जिसको कहते हैं यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जो नंबर होता है यूनिवर्सल नंबर होता है, कोई भी बैंक, कोई भी अदारा यूनिवर्सल नंबर से आपको कॉल नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का लॉ है कि जब भी कोई बैंक आपको कॉल करेगा वो PDCL नंबर से कॉल करेगा। अगर आपको सेम हेल्पलाइन के UN नंबर से कॉल आ रही है तो दैट मीन वो फ्रॉड कॉल है। और उसके अलावा कोई भी बैंक अगर आपसे आपका ATM पिन मांगता है, आपका OTP मांगता है या ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांगता है, तो आपने वो शेयर नहीं करना। कोई भी बैंक ये मजाज नहीं है कि आपसे आपकी ये सिक्योर और फाइनेंशियल डिटेल ले सके। उसके साथ साथ कुछ फ्रॉड पीपल आपको कॉल करके कहते हैं कि हम बैंक की तरफ से, हम आर्मी की तरफ से, हम स्टेट बैंक की तरफ से, हम बैंक महोत्सव की तरफ से आपको कॉल कर रहे हैं, आप मालूमात प्रोवाइड करें। वो आपसे आपकी मालूमात ले लेते हैं जैसा कि आपका CNIC नंबर, आपका डेबिट कार्ड नंबर, आपका ATM पिन, तो वो आपकी इंटरनेट बैंकिंग बना लेते हैं। तो जैसे इंटरनेट बैंकिंग बनाते हैं आपके पास वन टाइम पिन आता है और वो आपको कहते हैं वो वन टाइम पिन शेयर करें तो आपके अकाउंट को सिक्योर कर दिया जाए। तो आप गलती से वो वन टाइम पिन उनके साथ शेयर कर देते हैं जिसकी वजह से वो आपका इंटरनेट बैंकिंग का अकाउंट बना के आपकी सारी अमाउंट मिनटों में अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आपने 4 चीज़ें याद रखनी हैं। एक
एक पहली चीज कि आपने अपने OTP वन टाइम पिन की प्रेफरेंस जो है वो चेंज नहीं करनी, उसको सिर्फ मोबाइल पे रखना है। नंबर टू, आपने अपने इंटरनेट बैंकिंग के और वन टाइम पिन पासवर्ड को चेंज करते रहना है। तीसरी चीज़, अगर कोई पर्सन आपको कहता है कि वो बैंक का नुमाइंदा है और आप वन टाइम पिन उसके साथ शेयर करें ताकि वो आपके अकाउंट को सिक्योर कर दे, या आप अपनी मालूमात शेयर करें ताकि आपके अकाउंट को सिक्योर किया जाए, तो वो मालूमात आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी। नंबर फोर, आपको किसी भी बैंक के UN नंबर से कॉल आती है तो वो फ्रॉड पर्सन होता है, क्योंकि बैंक UN नंबर से कॉल नहीं कर सकती। तो अगर आपको ऐसी कोई कॉल आती है तो आपने फ़ौरन से उसको भगा देना है, उसको कहना है कि नहीं सॉरी हम ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि आपने अपने अकाउंट की जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो तस्दीक है वो अपनी किसी भी जिस बैंक में अकाउंट है उसकी करीबी ब्रांच से ही आपने करवानी है। तो आप इन बातों तक अमल भी करें, इसको दूसरों तक भी शेयर कर सकें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सके। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो सेशन ट्यूटोरियल लेके आए ताकि आप उससे मुस्तफीद हो सके। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो इन्फॉर्मेटिव आप तक आ सके, आप उसको मिस ना कर सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।